सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सब लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा, हमारा आज का विषय है क्रिया। क्रिया का अर्थ है किसी काम का करना या किसी काम का होना। काम का करना मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, बोलने का काम, सुनने का काम। और काम का होना मतलब जो कोई काम प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे सूर्य का उदय होना, फूलों का खिलना। इसलिए जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना आदि। तो अब ये क्रिया शब्द हैं। क्रिया को करने के लिए कोई चाहिए। जो क्रिया को करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या है? क्रिया। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। बच्चे क्या है? कर्ता। इसी तरह से यदि मैं कहूँ चिड़िया चहचहाती है, तो चहचहाने का काम कौन कर रहा है? चिड़िया। चिड़िया कर्ता है, ठीक है। अब हमने देखा कर्ता, क्रिया। इसके अलावा कर्म। कर्म क्या है? यदि मैं कहूँ बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ क्रिया, बच्चे कर्ता। पढ़ने का काम किस पर हो रहा है? क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक। जिस पर क्रिया की जाती है उसे कर्म कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कहते हैं कर्म। अब बेटा आगे हम देखेंगे क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर हमारे पास क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ध्यान से देखिएगा बेटा, अकर्मक। अ का अर्थ होता है बिना, उसके बिना। स का मतलब होता है साथ। यानी कि जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा ना की जाए, जहाँ कर्म नहीं होता, जो क्रिया कर्म के बिना हो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे, और जो क्रिया कर्म के साथ हो, जिसमें कर्म की अपेक्षा हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। उदाहरण देखते हैं। मैं कहती हूँ अध्यापिका पढ़ाती है, अध्यापिका पढ़ाती है। पढ़ाती क्रिया, अध्यापिका कर्ता। इसमें हमारे पास कोई कर्म नहीं है, एक कर्ता है, एक क्रिया बिना कर्म के, यह है अकर्मक क्रिया। इसी को यदि हम सकर्मक में देखें तो अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। अध्यापिका और पढ़ाती, क्रिया और कर्ता। इसके अलावा अध्यापिका किसको पढ़ाती है? बच्चों को पढ़ाती है। पढ़ाने का काम किस पर हो रहा है? बच्चों पर। तो ये है सकर्मक क्रिया। एक और उदाहरण जल्दी से देखते हैं। माता जी पका रही हैं, माता जी कर्ता, पका क्रिया। इसमें अगर हम कर्म लगा देंगे तो यानी कि पकाने का काम किस पर हो रहा है? माता जी खाना पकाती हैं, राइट? पकाती हैं, पकाना क्रिया, माता जी कर्ता और खाना कर्म। बेटा हमारे पास इन दोनों को समझने के लिए, इन दोनों में अंतर समझने के लिए कि कहाँ अकर्मक है कहाँ सकर्मक है, एक और तरीका है। वो तरीका क्या है? हमारे पास दो शब्द हैं, क्या और किसको।
जब हम सकर्मक क्रिया की पहचान करना चाहते हैं तो हम उसमें प्रश्न बना सकते हैं। कैसे? इसी वाक्य को लेते हैं, अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापिका क्या पढ़ाती है? अध्यापिका किसको पढ़ाती है? इस वाक्य में हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा, ना हमें क्या का उत्तर मिल रहा है, ना हमें किसको का उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ है अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। अध्यापिका प्रश्न बनाइए, अध्यापिका किसको पढ़ाती है, किसको का उत्तर मिल रहा है? बच्चों को। इसी तरह से अगले वाक्य में माता जी खाना पकाती हैं। माता जी क्या पकाती हैं? खाना पकाती हैं। पहले वाक्य में हमें किसको का उत्तर मिला, दूसरे वाक्य में हमें क्या का उत्तर मिला। जब हमें क्या या किसको दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। एक दो उदाहरण और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक उदाहरण है, पंखा चलता है। अक्सर बच्चे कहते हैं मैम ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया नहीं है। ध्यान से सुनिए कैसे। चलता क्रिया, पंखा कर्ता, इसमें कोई कर्म नहीं है। यहाँ पर प्रश्न बनाइए, पंखा क्या चलता है, पंखा किसको चलता है? हमें ना कार का उत्तर मिला, ना किसको का उत्तर मिला, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, सकर्मक नहीं है। एक और उदाहरण लेती हूँ, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि मैम आसमान में उड़ते हैं तो हमें उत्तर मिल रहा है, एक कर्ता है एक क्रिया है, तो ये तो सकर्मक क्रिया बन गई। लेकिन हमें इन दोनों शब्दों को भी ध्यान में रख लेना चाहिए। पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं, हमें इन दोनों का उत्तर इसमें नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर कहाँ का उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये भी अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया यानी कि बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं है, केवल एक कर्ता है और एक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में हमें क्या या किसको में से किसी भी एक का उत्तर मिलेगा और एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। ये है अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसके अतिरिक्त हमारे पास दो भेद और हैं। एक है द्विकर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया का ही भेद है। द्विकर्मक, अब इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है, द्वि द्वि मतलब दो। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म है। पहले वाले शब्दों को याद रखिए जो मैंने बताए थे, क्या और किसको। मैंने आपसे कहा था कि यदि दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, राइट। लेकिन अब मैं कहती हूं अगर हमें दोनों का उत्तर मिल जाए तो वो बन जाती है द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म। कैसे? छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। माता जी ने बच्चे को खाना खिलाया। खिलाया क्या है? क्रिया। माता जी कर्ता। सबसे पहले क्या का उत्तर ढूंढिए। माता जी ने क्या खिलाया? खाना खिलाया। माता जी ने किसको खिलाया? बच्चे को खिलाया। यानी कि हमें क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल गया तो ये बन गई द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। इसी तरह से एक और हम उदाहरण लेते हैं, अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ाती है। अध्यापिका क्या पढ़ाती है? पाठ पढ़ाती है। अध्यापिका किसको पढ़ाती है? बच्चों को पढ़ाती है। दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया तो ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया। एक और भेद है बेटा, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया ये वो क्रिया है जिसमें कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है। जैसे सीमा ने खेल
खिलौने मंगवाए, सीमा ने खिलौने मंगवाए, सीमा ने खुद खिलौने नहीं लिए बल्कि उसने मंगवाए, उसने खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाया। पिताजी ने पत्र पढ़वाया, अब पिताजी ने खुद पत्र ना पढ़कर किसी और से पत्र पढ़वाया, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा क्रिया क्या है, उसके बाद कर्म क्या है, कर्ता क्या है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर, अकर्मक क्रिया बिना कर्म के, सकर्मक क्रिया कर्म सहित, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या और किसको, यदि दोनों में से किसी एक का उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया, और यदि दोनों का उत्तर मिल जाए तो द्विकर्मक क्रिया, और जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बेटा इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक कार्यपत्रिका भेजूंगी जिसमें कुछ उदाहरण लिखे गए होंगे, आपने उसमें क्रिया का सही भेद बताना है। धन्यवाद।